नमस्कार फ्रेंड्स, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और यहां पर बताने वाला हूं कि मोबाइल से अपने कोई भी फॉर्म को कैसे भर सकते हैं घर बैठे। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं मोबाइल के स्क्रीन पर ही हूं दोस्तों। जैसे कि आपके सामने मैं देख लीजिए, मैं गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं, अपने जो भी क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर जो गूगल है, यहाँ पर डिमांड करना है। देखिए, मैं टाइप कर रहा हूँ ऑनलाइन सबमिट। सबमिट में याद रहे कि आपको डबल टी टाइप कर देनी है, उसके बाद डॉट कॉम कर देनी है और डायरेक्टली सर्च पे क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट डॉट कॉम, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन सबमिट डॉट कॉम का, ये पूरी तरीक़े से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने मैं लाइव यहाँ पर देख सकते हैं, सभी चीज़ यहाँ पर आ गया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर कंप्यूटर के जैसा कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप कर लेता हूँ। देखिए, डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर के जैसा ओपन हो जाएगा। अब देखिए, हमारा ये पूरी तरीके से मज़ा देने लगा कंप्यूटर के जैसा। अब देखिए, यहाँ पर मोबाइल से फॉर्म भरने के लिए, देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए, एडमिट कार्ड देखने के लिए, लेटेस्ट जॉब देखने के लिए यहाँ पर है। नीचे आ जाएंगे, देखिए हर एक तरह की यहाँ पर कैटेगरी बनाया गया है आप लोगों के सामने। देखिए, ऑल इंडिया इम्पोर्टेंट आंसर की सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट एडमिशन बिहार ऑल साइड। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी फॉर्म है जैसे कि लेटेस्ट जॉब में आया है, जैसे कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न कोल फील्ड ग्रेजुएट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। क्लोज का बटन आ रहा है, इस पर हमको क्लिक कर देना है और पूरी दिखाते हैं कि मोबाइल से कैसे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले इस पोस्ट का नाम जानेंगे और इसी वेबसाइट से विजिट करें। देखिए, यहाँ पर रेड कलर में भी ऑनलाइन सबमिट डॉट कॉम खुल दिख रहा है, जो अभी ब्लू कलर हो गया। ये है ओरिजिनल वेबसाइट। इस साइट पर हर एक तरह की आपको फॉर्म, एडमिट कार्ड, हर एक तरीका का अपडेट आपको मिल जाता है। इस वेबसाइट को आप हर एक समय आप ओपन करके देखते रहिए, आपको एनी टाइम समझ में आएगा कि कैसे कोई भी नया अपडेट जान सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी फॉर्म भरने के लिए इस तरीके से ओपन करना है और नीचे आना है। देखिए, यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम दिया गया है, पोस्ट डेट कब पोस्ट किया गया है, पोस्ट का डेट है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर नीचे आता हूँ। अब देखिए, मेन महत्वपूर्ण फंडा ये है कि इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, कब से कब अप्लाई ऑनलाइन हो रहा है। तो आपके सामने देख सकते हैं, अप्लीकेशन स्टार्टिंग 7/11/2022 से लेकर लास्ट डेट है 22/11/2022 तक। उसके बाद दोस्तों, मेन महत्वपूर्ण है अप्लीकेशन फ़ीस। डेट तो मैंने देख लिया कि मेरा डेट ओवर नहीं हुआ है, मैं अभी अप्लाई कर सकता हूं। और यहां पर अप्लीकेशन फ़ी मैंने कितना रुपया लगेगा, तो देखिए यहां पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी किसी के भी पेमेंट नहीं करना है, 0 रुपया है, यानी कि आवेदन शुल्क 1 रुपया लगने वाला नहीं है। नीचे आता हूँ, ऑनलाइन प्रोसेस फुल प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, देखिए एज क्राइटेरिया बताया गया है, एज लिमिट 22/11/2022 तक चाहिए, 18 ईयर से 25 ईयर्स। देखिए, एज भी महत्वपूर्ण है कि नहीं है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए, 4 तरीके का पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, 10th पास, ITI, किसमें क्या लगने वाला है उसमें अप्लाई करने के लिए ये चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद किसमें कितना वैकेंसी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है वैकेंसी डिटेल्स, पूरा चीज़ यहाँ पर बताया रहता है। नीचे आ जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर रियल मोस्ट यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स, कुछ महत्वपूर्ण लिंक जो आपके लिए ज़रूरत है। देखिए, अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट टेक्नीशियन का भरना चाहते हैं या ITI यहाँ पर अप्रेंटिस, तो ग्रेजुएट टेक्नीशियन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, इसके वेबसाइट पर हमने आ गया, अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आ गया, अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर हम क्लिक कर देंगे। चलिए, मैं अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए, आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो रहा है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, अप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस WCL रिक्वायर्ड यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर मेरा शो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, साइन इन करने के लिए रिक्वायर्ड, ईमेल ID, लास्ट डेट यहाँ पर, फोटो यहाँ पर, इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, जेंडर सेलेक्ट करना है, पिताजी का डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब है, कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप किया जाता है। जैसे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, चलिए मैं इसको बैक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। दोस्तों, कोई भी आपको फॉर्म भरना हो तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी मैं फॉर्म चलता हूँ, नीचे यहाँ पर एडमिशन कैटेगरी में यहाँ पर दिखाते हैं, नीचे आपको देखिए,
दोस्तों बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। देखिए मान लीजिए स्कॉलरशिप का ही फॉर्म है तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इसमें चले आएंगे। चलिए मैं इस पर चला आया हूँ, फिर से वही अपडेट, पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन पढ़ना है कि मैं इसके स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे कि हमारे यूट्यूब चैनल और यहाँ पर टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में भी टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन भी हो सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई क्लिक हियर का ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो पीएमएस ऑनलाइन है यहाँ से भी आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, देखिए दोस्तों समझने वाली बात है कि कोई भी फॉर्म भरना हो तो सबसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन और रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉग इन फॉर ऑलरेडी। कहने का मतलब है कि कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड बनाना होगा, उसके बाद लॉग इन करके फॉर्म को भरना है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन के लिंक में यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप से फॉर्म भरने का तरीका भी बताए हैं, वहाँ से भी आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देखकर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।